मुझे पता चला कि वो केरल से है, तो मैंने सबसे पहले सर को बोला, सर कि हमें कैसे समझ में आएगी केरल? तो उन्होंने बताया कि बेटा उन्होंने इस बिजनेस को करके हिंदी सीखा। माय डियर फ्रेंड्स, सोच कर देखिए कि अगर हमें कोई बोले कि आप केरल में जाके बिजनेस करेंगे, आप केरल सीखिए, तो बहुत डिफिकल्ट है हमारे लिए। मैं सैल्यूट करना चाहूंगी ऐसी पर्सनैलिटी को, और उस रैंक में जाना, 2,10,000 रुपए वीकली कमाना, हम सभी का ड्रीम है माय डियर फ्रेंड्स। और मैं आपके सामने, जी हाँ, मुझे बहुत सारे लोगों के चेहरों में एक बहुत खुशी नजर आ रही है। अपने एक्साइटमेंट लेवल को बनाते रखिएगा, पूरा माइंड, पूरा कंसंट्रेट, पूरा स्क्रीन में रखिएगा, क्योंकि मैं एक ऐसी पर्सनालिटी को कॉल करने जा रही हूँ, द इंटरनेशनल की टीम कोऑर्डिनेटर। बिल्कुल, मैं इंडिया लेवल की बात में करूं माय डियर फ्रेंड्स, तो सबसे प्रेस्टीजियस रैंक होता है द इंटरनेशनल टीम कोऑर्डिनेटर। I would like to call the one and only Babu Thomas sir. Most welcome sir. पूरे वी परिवार की तरफ से मैं आपका इस वेबिनार में वेलकम करना चाहूंगी। Most welcome Babu sir. Most welcome. Thank you madam. Thank you madam. Thank you madam. Madam, लोगों को आपने डरा दिए। लोग ये सोच रहे हैं कि ये कौन आ रहे हैं। हम एक साधारण व्यक्ति हैं। अभी एजुकेशन देखा जाएगा तो 4 तक पढ़ाई की है। अभी बहुत सारे लोग सोचेंगे ये मोटिवेशन के लिए बोला है, बोलते रहेगा। हकीकत में मैं 4 तक पढ़ाई की है। आज ये मैनेजमेंट के साथ में 19 साल से वर्क कर रहा हूँ। आज मोहित सर, दुर्गेश सर, बेस्ट फ्रेंड, सारे वी फैमिली को बाबू थॉमस का धन्यवाद। मैक्सिमम अच्छे से हिंदी बात करने के लिए कोशिश करेंगे। थोड़ा बहुत आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, कारण के आज मेरे को लिखना नहीं आता, जो सुनते सुनते सीखा हुआ है। एक्चुअली मैनेजमेंट के पास आने के पहले मैं हिंदी बात नहीं कर सकता था। आज बहुत साल से बॉम्बे में हूँ, वो आपको धीरे धीरे मैं समझा दूंगा। आज मेरे को वी फैमिली में बात करने के लिए मौका दिया। मोहितानंद सर, दुर्गेश सर, धन्यवाद। आज थोड़ा टाइम मैं लूंगा आपको, 4 घंटे का प्रोग्राम है ये, मैंने मैक्सिमम 1.5 घंटे में खत्म करने के लिए कोशिश करेंगे, लेकिन मैक्सिमम ये मेरा लाइफ स्टोरी, ये कुछ गूगल से लिया नहीं है, ये मेरा लाइफ स्टोरी मैं आपको बताने जाते हैं। अभी बहुत सारे लोग हैं, पढ़ा लिखा नहीं लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। अगर बहुत सारे लोग आपका भी टीम में रहेंगे तो ये लोग ये सोच रहेंगे कैसे बिजनेस को आगे लेके जाएंगे। मैं भी ऐसा था, कोई टेंशन नहीं, अगर आप तैयार है हम आपके साथ तैयार है, पूरा कंपनी आपके साथ। ओके, तो छोटा सा पीपीटी है तो मैं शेयर करना जा रहा हूँ। दिख रहे मैडम? यस सर, बिल्कुल सर। यस सर। ओके, अभी हम स्टार्ट करेंगे। सभी लोगों को वेलकम। नाम बाबू थॉमस, केरल से, लेकिन 13 साल की उम्र में केरल से बॉम्बे आई। पढ़ाई लिखा नहीं है, लेकिन पढ़ाई करने के लिए इच्छा था, लेकिन बैकग्राउंड बहुत खराब थी। कारण भी मैं बता देता हूँ। आज मेरा पापा, मेरा मम्मी, 2 बहन, आज मेरा डिलीवरी होने के बाद मेरे मम्मी का आंखी बंद हो गई, पता नहीं क्या हुआ। और टाइम पे इतना ट्रीटमेंट देने के लिए कुछ है नहीं था, तो ऐसे कैसा रख लिया। पिताजी भी बीमार थे, तो बोलने का मतलब खमाने वाला कोई नहीं था, खाना वाला 6 लोग थे। तो मेरे मौसी का लड़का लोग है, वो बॉम्बे में था, इनका फैक्ट्री था, डायमंड पॉलिशिंग कंपनी, ये लोग ही मेरा घर चला रहे थे। मतलब चला रहे मतलब ज्यादा नहीं, खाना कम, कपड़ा कम, मतलब चला रहे, अभी कोई तो है ही नहीं था। तो जैसा हम स्कूल में जा रहे थे,
मेरा मेरे गांव में से 2-3 किलोमीटर चलना पड़ेगा स्कूल में जाने के लिए। तो एक टीचर मेरे साथ में आता था और टीचर का बैग मैं लेता था। इनके वजह से टीचर ने मेरे को उपमा देता था, मतलब एक छोटा सा बड़ा कैन लेके जाएगा, दो पूरा भर के देगा, ये हमारा रात का खाना था, जैसा हमारा चल रहा था। लेकिन एक नया टीचर आया स्कूल में तो ये देखा, तो टीचर ने मना किया, ये ऐसा नहीं दे सकते, अगर इधर दोपहर को खाने वाले को देंगे, लेके जाने के लिए नहीं देंगे, तो फिर वो खाना लेके जाना बंद होगी, उपमा मिलना बंद होगी। तो मैंने ये सोचा था, मैं पढ़ा पढ़ाई करके कोई तो बनने वाला है ही नहीं, लेकिन हम हमारे परिवार के लिए कुछ करेंगे करके मैंने मेरे मौसी के लड़का लोग को मैंने लेटर लिखा, मेरे को केरला से बॉम्बे लेके जाओ, मेरे को काम सिखाओ, मैं काम करके मेरा घर मैंने खुद चलाना चाहता। लेकिन इन लोग मेरे को बोला, बाबू तू एक काम कर, तो पढ़ाई कर, कम से कम 10वीं तक पढ़ाई कर, इनके बाद मैं तेरे को लेके जाऊंगा। लेकिन मैं बोला, मेरे को पढ़ाई नहीं करना, मेरे को लेके जाओ। लेकिन इन लोग लेके नहीं जाता था। तो मैंने सोचा, अभी ये समझो ये परिवर्तन कैसा होएगा, ये मेरा पॉइंट ये था, परिवर्तन, ये मेरे स्टोरी से मैंने इनको परिवर्तन बनाया हुआ है। आज ये मेरा घर है, ये आपने देखा है, ये घर है, ये घर देख के भी आज सब समझ सकते मैं 4 तक क्यों पढ़ाई की है। आज ये माता जी है, पिताजी है, इनको देखा, एकदम गरीब, मतलब एकदम गरीब, जैसा हम लोग चल रहा था हमको नहीं पता था, लेकिन चल रहा थे। तो मैंने सोचा, पहले मेरा ये मेरा दो बहन है, इनको संभालेंगे करके मैंने मेरा स्कूल जाना बंद किया। ये लोग बॉम्बे लेके जाता नहीं था, तो मैंने सोचा इधर ही कुछ करेंगे करके, तो मैंने स्कूल जाना बंद किया। मेरा मम्मी माता जी को बोला, पिताजी को बोला, मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ, मैं कुछ नौकरी करेंगे, तो फिर हम पैसा कमाएंगे, मतलब पैसा कमाएंगे मतलब डिपॉजिट रखने का नहीं, जैसा रोज रोटी चलने का काम करेंगे करके। तो मैं छोटा थी, कम से कम 13 साल हुआ था, तो मैं क्या काम कर सकता, आप समझ सकते हैं। तो मैंने ढूंढ लिया मेरा काम। अभी आपने 4 फोटो देख रहे हैं, ये मेरा फोटो नहीं है, लेकिन ये मेरा गांव का फोटो है, ये मैंने आपको समझाने के लिए बनाया हुआ है। आप समझो, पहले पहले मैंने स्कूल बंद किया, तो पहले मैं सोचा चलो मैं नौकरी करेंगे, क्या नौकरी करेंगे, तो किसका घर पे सर्वेंट का काम करेंगे, बर्तन धोने का काम करेंगे, नहीं तो कपड़े धोने का काम करेंगे, झाड़ू पोछाई करने का काम करेंगे। तो फिर मेरा एक पड़ोसी ने बोला, एक काम करो, तो मतलब थोड़ा दूर, मेरा घर था त्रिचूर, अभी ये कालीकट, आपने सुना रहेगा कालीकट करके जगह, तो थोड़ा दूर था, मतलब अपन इधर से नागपुर जाते उतना दूर है। तो मेरे को बोला, उधर एक घर है, वो घर पे तेरे को सर्वन का काम देंगे, लेकिन तू रुकना पड़ेगा उधर। तो मैं मेरा घर से बात किया, तो घर वाला बोला चलो तू जाओ संभाल के रुकना। तो ये कालीकट जगह, ये कालीकट में आज भी आप गूगल में डालेंगे सीएम मातियू, उधर का बहुत बड़ा पार्टी थे सीएम मातियू, आज भी सीएम मातियू का घर अगर गूगल में डालेंगे आपको मिलेंगे। अगर उधर मैंने नौकरी करने के लिए जा रहा था, उधर का नौकरी ये था, कपड़ा धोने, झाड़ू झाड़ू मारने, दूध लेके आने, कपड़ा साफ सफाई करना, ये मेरा काम थे। ये महीने में 40 रुपये मिलेगा, मैं बोले चलेगा, 40 रुपये मिलेगा तो भी हमारा काम चलेगा करके, 40 रुपये मिलेंगे। उधर गया तो रात हो गई, उधर मौसी थी, मौसी ने मेरे पास कपड़ा तो है नहीं था, खाली एक पटेले बनियान टाइप ट्राउजर थे, तो उधर के मौसी ने मेरे को बहुत सारा कपड़ा दिया, कारण के उधर मेरा जैसा बच लोग थे, तो इनका पूरा पुराना कपड़ा मेरे को दे दिया, तो एक बैग पूरा भर भर के दिया, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, कारण के इतना कपड़ा मेरी जिंदगी में देखा नहीं मैंने, अगर मिलेगा भी नहीं थे तो बहुत अच्छा लगा। तो फिर रात हो गई, उधर के हमारे गांव में ज्यादा जल्दी सोता था, वो टाइम पे 8 बजे होते तो पूरा अंधेर हो जाता, लेकिन मेरे को अकेले सोना डर लगता था। तो मेरे को मौसी ने बोला, तो वरान ये बालकनी में सो जाओ। तो मैं मौसी को बोला, मेरे को डर लगेगा, मौसी काम करते आपका, बैठ के नीचे मैं सोऊंगा करके। फिर मैंने रोना चालू हो गई, फिर
तो मेरे को बोला चलो तू मेरे यहाँ बैठ के नीचे सो जाओ करके। तो मैंने उधर स्टार्ट किया, करते करते एक महीना डेढ़ महीना होगी। तो फिर क्या, एक दिन मेरे को बोला बाबू तू साइकिल चलेगा क्या? मैं बोला साइकिल चलेगा। तो साइकिल दिया, तो 5 किलोमीटर साइकिल चला की, तो इनका भैया के घर पे एक दवा देने का था। तो मैं बोला चलेगा, मैं जाता हूँ करके। छोटा साइकिल दिया, साइकिल अपन देखा है, चलाया है, लेकिन खुद का नहीं था। अगर चलाने के लिए मिलता बहुत अच्छा लगता था। तो मैं बोला मैं चलाऊंगा, तो मेरे को ऐसा क्या बोलते हैं बाइक मिला जैसा लगा था। तो मैंने 5 किलोमीटर जाना था, तो साइकिल चला तो थोड़ा दूर गया, तो मैंने गाड़ी रुका। तो रोड ऐसा था, नीचे दुकान थी, तो मैंने साइकिल रोड पे रखा, नीचे उतर के। ये पहले 5 पैसे का 5 मिठाई मिलता था, सबको याद है, पुराने लोगों को मिलता था, इनका नाम पता नहीं मेरे को। मैंने नीचे उतर के 25 पैसा था मेरे पास, उसमें 5 पैसे के लिए 5 मिठाई लिया। तो मैं मिठाई के दुकान में गया, मिठाई लिया, पॉकेट में डाला, मैं साइकिल वापस लिया। मेरे पास मेरे को जो काम दिया, काम पे मैंने निकला, उधर गया, दवा दे दिया। दवा देने के बाद मैंने वापस आया, वापस आने के बाद ये घर पे सभी लोग बाहर खड़ा थे। मैं सोचा क्या हुआ, तो मेरे को बोला तू किधर थे? मैं बोला दवा देने के लिए गया। तू किधर रुका क्या? मैं बोला किधर नहीं रुका, रुका है कि नहीं? मैं बोला रुका। तो मैंने मिठाई लेने के लिए रुका था, तो फिर मेरे पॉकेट में 2 पड़ा थे, तो वो भी निकाल के दिया, बाकी 20 पैसा भी निकाल के दिया। तो इन लोग बोला दूसरा कुछ लिए कि नहीं? मैं बोला दूसरा कुछ नहीं लिया। तो दूसरा कुछ नहीं लिया, दूसरा कुछ नहीं लिया, याद करो। मैं बोला याद क्या करना, मैंने नीचे उतरा, मिठाई लिया, पॉकेट में डाला, तो एक मुंह पे डाला, तो मैंने गाड़ी चला रहा था, आते टाइम पे भी 2 खाया, तो बाकी मेरे पास 2 पड़ा। दूसरा कुछ नहीं दिया कि नहीं दिया? मैं बोला नहीं दिया। लास्ट में मैंने इनको पूछा, बोलो आपका क्या प्रॉब्लम है मेरे को बता। तो लोग ने बोला तू सोने के दुकान में रुका है क्या? मैं बोला सोने का दुकान किधर है? मेरे को नहीं पता था, मैंने मिठाई लिया, मिठाई लेके मैं आया। तो सोना दिया कि नहीं? तो क्या सोना उधर दिया? मैं बोला मैं कोई सोना नहीं दिया। तो लास्ट में लोग बताया तो ये सोने का दुकान में गया था, तो क्या दिया? मैं बोला कुछ नहीं दिया। लास्ट में मैंने इनसे पूछा आपका क्या प्रॉब्लम है? तो लोग ने बोला हमारे बंधु था, वो तो सोने का दुकान में जाते करके देखा, तो हम मिठाई के दुकान में गए, इधर सोने का दुकान है क्या, मेडिकल स्टोर है, दुकान है क्या? अपन को देखने का नहीं था, लेकिन हो सकता था, लेकिन ये बाजू का दुकान में थे। आज मैं उतरता देखा, लेकिन कौन सा दुकान में गया वो भी नहीं देखा। फिर भी वो बोला ये आपका घर पे कोई रुका ना हो, सोने का दुकान में गया करके बोला, दिलो मेरे ऊपर कर रहा था। तो मेरा इतना फील हुआ, तो मैं बोला मेरे को अभी मेरे घर वाले के पास जाना है, मेरे को इधर रुकना नहीं है, फिर मैं बाद में आ जाऊंगा करके मैंने रोना चालू हो गया। तो फिर मैं बोला मेरे को कल का टिकट निकल के दो, मैं जा रहे करके। क्या इतना अपन किया नहीं है, तो फिर वो चीज सुनेगा तो मेरे को अच्छा नहीं लगता था। फिर मैंने उधर से बैग लिया, तो मेरे को बोला तो बैग क्यों लेके जा रहा है, 2 दिन में आ जाओ। मैं बोला नहीं, मैं 1 हफ्ते के बाद आ जाऊंगा, ये सब मेरे घर वाले को दिखाएंगे कपड़ा। तो मेरे को उधर का मौसी ने 80 रुपए दिया, 80 रुपए दिया। मेरे पगार थे 2 महीने का, 2 महीने के लिए 10 दिन बाकी थे, 80 रुपए दिया। इनके बाद 5 रुपए अलग दिया आने जाने के लिए, तेरा खर्चे के लिए। तो पैसे लेके मैंने ट्रेन का टिकट निकाली, मैं मेरे घर पे आया, तो मेरा घर वाले ने बोला तू इतना दूर मत जाओ, इतना नजदीक में कुछ काम करो। तो फिर मैंने उधर गया नहीं। इनके बाद मैंने मेरे गांव में चाय का दुकान में रुका था, उधर 50 रुपया पगार मिला था, साफ सफाई करना, चाय देना। फिर टाइम बहुत लगता था, अभी समझो रात को ज्यादा टाइम लेता था, मेरे को चल के आना पड़ता था मेरे घर पे। तो 1 महीने उधर भी रुका, 50 रुपए मिला। इनके बाद मैं सोचा अभी कुछ नहीं करेंगे, अभी हमारे गाँव में कुछ ना कुछ करके हम करेंगे, खुद का व्यापार चलेंगे। अभी आप सोचेंगे इतना छोटा में क्या खुद का व्यापार चलेंगे। अभी समझो हमारे केरला में ज्यादा करके खेती होता है, आज के गाय होता है, गाय ने गोमर डालेंगे और दूसरे का खेती में डालेंगे गोबर, वो निकल के हम जमा करके हमारे घर पे लेके आएंगे,
तो सुखाई करेंगे, फिर अपन इनको बेचेंगे। अगर पूरा गेती में सुबह निकलेंगे ऐसा बाटी लेके जाएंगे, बाटी भरेगा वापस घर पे आएंगे, वापस घर पे डालेंगे, फिर वापस जाएंगे, जैसा दिन में 5 बाटला लेके आता था। तो इनको सुखाई करेंगे, सुखाई करने के बाद हम बेचेंगे, अच्छा भाव मिलता था इनको। बात मैंने ये करते करके, अभी ये आपने देखा डक, ये भी हमारे गांव में ज्यादा है। ये मेरे को बोला, बाबू ये तू संभाल लेगा क्या? अगर मैं बोला मैं संभालूंगा, दूसरा कोई काम ही नहीं है। अगर ये काम करके हमारे पास बहुत काम है, अगर इनको एक दिन छोड़ देगा तो फिर मैं अकेला नहीं, 3-4 लोग है, ये लोग करेंगे। लेकिन रात को उधर सोने का मेरा काम है, इनको कोई कुत्ता लेके जाए, कुत्ता आएगा वो सब देखना क्या था। सुबह में 6 बजे इनका अंडा निकालने का था, मतलब अंडा डालेंगे वो सब जमा करना मेरे काम थे। ये भी काम चलेंगे, वो भी काम चलेंगे, अच्छा चल रहा था। फिर मेरा मौसी के लड़का लोग का फोन आया, बाबू तू क्या कर रहा है, लेटर आया तू क्या कर रहा है? तो मैं बोला ऐसे ऐसे इधर कर रहा, मैं स्कूल जाना बंद किया। तो कौन बोला तेरे को बंद करने का? मैं बोला मेरे को नहीं करना। तो इन लोग ने मेरे को बॉम्बे बुलाया, तू उधर कुछ नहीं करना है, तो बॉम्बे आ जाओ, इधर कुछ काम करेगा करके। तो मेरे को बॉम्बे बुलाई, अभी मैंने ये ट्रेन में कन्याकुमारी टू मुंबई 3 दिन बैठना पड़ता था, बॉम्बे आया। बॉम्बे पहली बार आई, छोटा थे अकेले, मैं उधर से ट्रेन में बैठा, इधर आया, इधर लेने के लिए सुबह 5 बजे 4 बजे ट्रेन पहुंचता था पहले। मेरे को मेरा मौसी के लड़के ने आया था, तो हम लोग दादर उतरा, वीटी में उतरा, वीटी से बॉम्बे आई, अपने मलाड में आई, एक ही रूम थे। उधर देखा, दरवाजा खोला, देखा 16 लोग सो रहा थे एक लाइन पे, बैचलर थे। तो मेरे सोच ये था मैं किधर सोएंगे। तो मेरा मौसी लड़का ने बोला तेरे को सोने का जगह दूंगा। फिर उधर बोल के रखा, बर्तन धोने का काम मेरा, कचरा फेंकना काम मेरा, ये 2 काम बाबू को देना, बाकी कोई काम बाबू को मत देना। फिर मेरे को बोला तेरे को कल कारखाने में आने। अभी कितना लोग डायमंड देखा, बहुत सारा लोग देखा रहेगा, इतना चमकते है। अभी ये देखा आपने, ये 13 करोड़ का हीरा है, एक हीरा 13 करोड़ का हीरा, ये कितना अच्छे थे, चमकते ये, इनको ऊपर इतना काम करने के बाद ही वो चमकते। इनको ऊपर टेबल इतना बड़ा आप दिख रहे हो, टेबल, इनके बाद तरकोनी, इतने बाद सुलम, इतने बाद डायमंड, ये सब बनाना पड़ता है। आज हम दुकान में जाते हैं, डायमंड मिला, बहुत अच्छा चमकता है। बोलने का मतलब ये था, आज मुकेश भाई ने बहुत अच्छे से प्लान दिए, बहुत अच्छा प्लान दिए, सुपर प्लान दिए। आज बहुत सारे लोग ही बिजनेस में आए, आज नया आया, 1 महीना पहले आया, 2 महीना पहले आया, 4 महीना पहले आया। लेकिन देखो आज आपने आया, ये फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप आपको इनके ऊपर सीखना पड़ेगा। तीसरा ऊपर आपका प्लान को आपको ऊपर कटिंग करना पड़ेगा, मतलब आपको डायमंड बनाना पड़ेगा, कटिंग पॉलिशिंग करना पड़ेगा। देबी आप एक एनटीसी आईटीसी डायमंड बनना पड़ेगा। यही प्रोसेस ये डायमंड में होता है। अभी कितना लोग ये डायमंड देखा, देखो ये ऊपर दिख रहा है, ये हमारा कारखाना था, जैसा पहले ऐसे लेवल पे था कारखाना। आज आपने इधर देखा, ये हाथ में नमक दिख रहा है, ये हाथ में बहुत नमक दिख रहा है, छोटा भी दिख रहा है, नया बड़ा भी दिख रहा है। आज ये आपने देखा पूरा काला कलर दिख रहा है। अभी आपको कुछ समझ में नहीं आएंगे, आपको ये मिलेगा तो कोई लेगा नहीं, कारण कि आपको समझ में आएगा नहीं ये नमक का है, ये करके आपने फेंक देंगे। लेकिन ये हीरा पहले ऐसे आता है, ये पहले नमक जैसा आता है। जैसा एक व्यक्ति बिजनेस में आता है, एक तो किसको इनको कुछ मालूम नहीं पड़ता है, लेकिन ये ट्रेनिंग मीटिंग करने के बाद ही इनको समझ में आता है। जैसा ये भी है, मेरे को भी कुछ पता नहीं था, मेरे को दिखा ये क्या है, मैं बोला ये मट्टी है क्या, ये मट्टी नहीं ये हीरा है, चलो ठीक है हीरा, ये बड़ा हीरा, ये छोटा हीरा, कितना छोटा भी जैसा इनको ऊपर डिजाइन करना पड़ेगा। अगर ये पहले आपने एक हीरा देखा, उसके ऊपर डिजाइन कितना छोटा हीरे में भी
कोई डिसीजन करना पड़ेगा। बोलने का मतलब पढ़ा लिखा आदमी आने दो, अगर पढ़ा लिखा नहीं लिखा आदमी आने दो, कोई अनपढ़ आने दो, लेकिन ये काम हर इंसान को करना ही पड़ेगा। आज पढ़ा लिखा आदमी को करना पड़ेगा, नहीं पढ़ा लिखा आदमी को भी ये डुप्लीकेशन करना पड़ेगा, जब हम ये बिजनेस में सक्सेस हो सकते हैं। तो ये मेरा काम थी, ये मेरे को पहले दिखा, मेरे को समझ में आ रहा था, तो फिर मेरे को 2 दिन खाली कारखाने में देखने के लिए बिठाया। तो ये हीरा, ये देखा आपने, हीरे में फर्स्ट काम ये होता है, इनको बोलते घाट। अगर ये काम करेगा पूरा काला कलर दिखेगा, किसको समझ में नहीं आएंगे। पहले अपन फॉर्म फिलअप किया, इनके बाद हम बोलेंगे हमारे जीटीएस में आ जाओ, तो इनको मुंह ऐसे दिखेंगे, क्यों जीटीएस में आना है, हम सब सीख लिया, हम समझ लिया, ये बोलेंगे कि नहीं। सभी लोग नहीं, कोई ना कोई बोलेंगे, पढ़ा लिखा लोग वही ज्यादा बोलेंगे, मैं सीखा हुआ यार, मेरे को समझ में आया। प्लान पूरा सुनने से पहले बोलेंगे सब मैं करूंगा, मैं करूंगा, मेरे ऐसा बोलते है कि नहीं बोलते। ये सही मैसे अभी समझो, ये फर्स्ट काम हो गया, काला कलर हो गया, मतलब पूरा व्हाइटनेस गया, जैसे अपन ये बिजनेस में हुई है। अब ये कलर आएगा तो ये फिर भी लेके जाते लोग, ये बिल्कुल नहीं लेके जाएगा, बराबर है कि नहीं। तो जैसा फर्स्ट काम हो गया, तो मैंने 2 दिन देखा, 2 दिन के बाद मैंने ये काम सीखने के लिए बैठा। ये सीखने के लिए मिनिमम 2 महीना चाहिए, 2 महीना पहले सीखेगा नहीं, अगर 2 महीने में भी लोग सीखता नहीं है, 6 महीना, 1-8 महीना, 1 साल भी लगते है, कोई सीखता भी नहीं है, इसमें मार भी मिलेगा। अगर एक किरण नीचे गिरा ना, तो ढूंढ ढूंढते झाड़ू मार मार के एक दिन पूरा झाड़ मारेगा तो भी मिलेगा नहीं, किसका कपड़े में चिपका रहेगा ये सब। अगर एक हीरा गया रहेगा तो किसको बाहर जाना नहीं दूंगा। जैसे बहुत सारे प्रॉब्लम है इसके अंदर। अगर मैंने काम सीखने के लिए मैंने तैयारी हो गया, मेरे को बोला 2 महीना तेरे को सीखना पड़ेगा, ओके मैं तैयार हूँ, 2 महीना का पहले सीखने के लिए मैं कोशिश करूंगा, तो मेरा स्टार्ट हुआ। आपने देखा हीरा, देखा ये होने के बाद ऐसा डिजाइन, ऐसा चमके, जैसा तैयार होएगा तो ये मास्टर बन जाएंगे। तो मैंने सीखने के लिए बैठा, ये फर्स्ट काम गाड़, ये कितना भी काम है ये सबसे बड़ा काम है, मतलब ये सीखेगा नहीं। पहले मेरे को इसमें बिठाया, मैंने 15 दिन में ये काम सीख लिया, मजबूरी थे इसके लिए सीखा, 15 दिन में मैंने ये काम सीखा। 15 दिन के बाद मेरा पगार स्टार्ट हुआ, मेरा फर्स्ट महीने के इनकम था 200 रुपया। अगर 200 रुपये मिलने के बाद इतना अच्छा लगा, खाने का पैसा दिया, रूम का भाड़ा दिया, घर पे पैसा भेजा, फिर हमारे पॉकेट में बैलेंस पैसा थे। आज अपन को 2 लाख रुपये मिलेगा तो भी हमारा पॉकेट में पैसा बैलेंस नहीं है क्या? नहीं ना। तो आज 200 रुपये पगार, तो मैंने काम करते हैं, अभी हमारे फैक्ट्री में फैक्ट्री चालू हो जाएगा 9 बजे से लेके 7 बजे तक, लेकिन हमारा मैनेजर लोग जाएगा, इन लोग 8 बजे से जाएगा, फिर ये लोग 9 बजे तक बैठेगा। तो मैं क्या सोचा, इन लोग के साथ में मैं तैयार होके जाएगा, मैं स्टार्ट करेगा काम, तो इन लोग कितना टाइम बैठेगा उतना टाइम तक मैं काम स्टार्ट चालू रखेगा। तो मैक्सिमम काम मैंने किया, मेरा घर चलाने मेरे को पैसा जरूर था, मेरा प्रॉब्लम से बाहर निकलना था, इसके लिए मैंने काम एक्स्ट्रा किया था। तो फिर मैंने करते करते ये बहुत अच्छा लेवल पे आई। आज काम करते 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 ये मैंने घर लिया, ये मेरे फर्स्ट अचीवमेंट, ये मैं दिख रहा है, पहले ये बड़ा बीबीटी था, मैंने 2 में 1 में किया, ये मेरा फर्स्ट घर बॉम्बे में मलाड डिस्ट्रिक्ट में कुराड विलेज में लक्ष्मण नगर में शिव मंदिर के सामने ये घर देखा। ये पूरा नहीं है दोस्त, ये खाली मैं इधर खड़ा है, खाली इतने ही छोटा घर लिया, इसका कीमत है 2 लाख रुपए। ये आप समझ सकते हैं, बंगला हो सकता है, चाली हो सकता है, चौपड़ा हो सकता है, कुछ भी होने दो, मेरे हिसाब से मेरा बंगला था, मतलब 2 लाख रुपए में मेरा फर्स्ट अचीवमेंट, फर्स्ट पर्पस मेरा। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। इनके बाद उधर से काम करते 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 अगर 4 महीने के बाद मैंने घर बनाया 7.5 ग्राम, ये था मैं, ये घर बनाया आदमी था, इनसे चाबी लेने के लिए मैंने आया था बॉम्बे से, 7.5 लाख रुपए में घर बनाया। ये मेरा सेकंड पर्पस, जो चीज के लिए हम बॉम्बे आए उसको मैंने
मेहनत करके मैंने अचीव करा, ये मेरा पहले से आदत था मेरे को अचीवमेंट करते जाने। अभी मेरा दो पर्पस मैंने पूरा किया, तीसरा मेरा पर्पस यही है, मेरा माता जी इधर दिख रहा है, मेरे पिताजी इधर दिख रहे हैं, ये मेरा बड़ी वाली बहन दिख रहे। अगर ये सब मेरे पिताजी का काम था, मैंने हाथ में लिए, आज मेरे को बहुत खुशी आ रही है। आज मेरा पिताजी बीमार था, मेरा माता जी बीमार था, लेकिन ये मेरा तीसरा अचीवमेंट था। मेरा बहन को मैंने शादी करके दिया, वो बड़ा लेवल पे नहीं है, एकदम नॉर्मल लेवल पे, वो टाइम पे कितना बड़ा लेवल पे करता था वो, जैसा मैंने शादी करके दिया। तो फिर मेरा काम शादी में आया, शादी के बाद वापस मैं बॉम्बे गया, फिर वापस मैंने काम पे स्टार्ट हुआ। मेरे को बोला बाबू अभी तू काम नहीं करना, तू अभी मैनेजर बनना। तो ऐसे स्टेप प्रोग्राम में मैंने बोला था, मैंने मैनेजर बन के, तो एक आदमी मेरे को पूछा, सर आपने तो बताया था 4 तक पढ़ाई की है, तो फिर आपने कैसा मैनेजर बन गए? तो मैं बोला देखो मैनेजर नहीं, हीरा देखने का मैनेजर बन गए। तो ये मेरा बहन के साथ हो गई, इनके बाद मैंने मैनेजर बन गई। मैनेजर का मतलब सुपरवाइजर बन गई, मतलब इनको संभालना, काम करना नहीं, ये लोग काम करते अच्छा है क्या, हीरा अच्छा है क्या, ये सब देखने के लिए मैनेजर बन गई। तो मैनेजर बनते बनते आगे गई। इनके बाद मेरा 14 अचीवमेंट था, एक बाइक, एक हीरो होंडा बाइक लिया, बहुत खुशी आ गई। मैंने खरीद लिया था अगर मोटर वाहन में, आज फर्स्ट मेरा 4th अचीवमेंट, एक बाइक लिया, ये बहुत अच्छा लगा। फिर मेरे काम में मैंने स्पीड किया, मैं कितना इलो के लिए काम कर सकता हूँ, मैंने काम किया, इलो मेरे लिए भी मेरा पगार बढ़ाते गया। लेकिन इनके बाद ये मेरा सेकंड बहन का भी शादी मैंने किया, जो पर्पस थे दो सोच के सकते, लेकिन हमारा बहन लोग का शादी करना चाहिए था, मेरे पापा नहीं कर सकता था, लेकिन ये काम मैं करना पड़ेगा करके, तो मैंने ये दोनों काम मैंने किया। ये मेरे सेकंड सिस्टर का भी शादी हो गई। इनके बाद ये भी मेरा अचीवमेंट था, अचीवमेंट है। आज मेरा जो प्रॉब्लम्स थे वो प्रॉब्लम ठीक होने के बाद मैंने शादी किया, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर मिले, ऐसा चल रहा थे। इनके बाद मैंने खुद का फैक्ट्री चालू किया, मैंने नहीं, मैं के लड़के ने मेरे को फैक्ट्री चालू करके दिया। मेरे को बोला बाबू तू बहुत हमारे लिए मेहनत की है, एक काम कर, आपके लिए करके मेरे को एक फैक्ट्री चालू कर दिया। ये दो मिशनरी दिया, एक मिशनरी में 4 आदमी बैठ सकते, दो आप मिशनरी में 8 आदमी बैठ सकते। तो अच्छा चल रहा था, बहुत अच्छा पैसा कमा रहा था। चलते चलते हमारे बिजनेस में ज्यादा करके मंदी आता था, मंदी ऐसा आता था 2 महीने के लिए तेजी आता था, 6 महीने के लिए मंदी आता था। तो 2 महीने में जो कमाएंगे तो 6 महीने में डालते 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 जाएंगे। आज 8 आदमी से शुरुआत करके मेरे फैक्ट्री में 120 आदमी थे। अगर कोई भी देखेगा वो इतना बड़ा फैक्ट्री, अगर क्या मेरे फैक्ट्री में ना मैक्सिमम लोग पगड़ वाले थे, पगड़ मतलब अगर हीरा रहेगा तो काम करना, हीरा नहीं रहेगा तो भी बैठना, जैसा 2 दिन का काम देखेगा आपका 10,000 रुपए, इनका 10,000 रुपए लॉक हो गया, दूसरा आया 4 दिन का काम देखेगा लॉक हो गया, जैसा सभी लोग पगड़ में थे। तो 2 महीने में तेजी होएगा, 6 महीने में मंदी होएगा। तो हम हर व्यक्ति ये सोच रहा था आज ये हफ्ते में नहीं कमाएगा तो अगले हफ्ते कमाएंगे, अगले हफ्ते नहीं तो अगले हफ्ते कमाएंगे, जैसे हमारे सोच को बढ़ाया था। तो बंद करने का मन नहीं कर रहा था, कारण क्या, ये 20 साल हो गई मेरे फैक्ट्री को चला के मैंने, तो तुरंत बंद नहीं कर सकता था। तो मैंने उम्मीद रखा आज तो कल बड़ा हो जाएंगे, कल बड़ा हो जाएंगे, लेकिन क्या, आपको मैंने कितना अचीवमेंट बोले उतना अचीवमेंट था मेरे पास। आज मैंने 20 साल मेरे खुद का फैक्ट्री चलाया, तो मेरे पास आपने देखा 2 लाख का एक घर था, 7.5 लाख का एक घर था। आज मेरे बहन का शादी किया, 2 बहन का शादी किया, मेरे खुद का शादी हो गया। इनके बाद एक ये दूसरा अचीवमेंट है, मेरा बच्चा हो गई। ये 2 मेरा नहीं है, एक ही बच्चा मेरा है, एक बच्चा मेरे दोस्त का था, तो एक बच्चा भी हो गई। तो फिर पापा बने। इनके बाद हमारे जैसा चल रहा था, तो फिर मेरे घर वाले ने बोले एक छोटा सा कार लेंगे,
हमारे चर्च में जाने के लिए, मतलब 5 किलोमीटर दूर है मेरे घर से चर्च। तो घर वाले ने बोले छोटा कार ले लेते, तो मैं ढूंढना चालू किया छोटा सा कार, मैंने लेने के लिए कोशिश किया। ये कार थी, दिखने में बहुत अच्छा कार थे, व्हाइट कलर का कार थे, सुंदर दिख रहा था, लेकिन इनका एक छोटा सा बीमारी थी। ये 5 किलोमीटर का दूर, 5 किलोमीटर तक ये गाड़ी चला सकते हैं, 5 किलोमीटर के बाद ये गाड़ी अगर चलाना तो बंद पड़ेगा, तब इनको टोचन लेके जाना पड़ेगा, नहीं तो फिर ये रिपेयर वालों को लेके जाना पड़ेगा। दिखने में बहुत अच्छा गाड़ी है, ये तो चाहिए थी, कारण कि अपन को चर्च में जाने के लिए ज्यादा दूर नहीं है, मतलब 150 किलोमीटर जाने के लिए, 150 किलोमीटर आने के लिए। तो जैसा दिखने में क्या ना सबके सामने, मैं हमारे पास भी कार है, बहुत अच्छा कार है, व्हाइट कलर की कार है, ये मेरा, ये भी मेरा अचीवमेंट थे, लेकिन मेरा हिसाब किताब देखते देखते मैं ऐसा हो गया, अभी मैं क्या कर सकता हूँ। अगर हिसाब किताब देखने के बाद 20 साल के हिसाब किताब देखा, 32 लाख रुपए माइनस में है। अगर आप सोच के देखो, आज पढ़ा लिखा नहीं है, आज मैंने ये बंद करके दूसरा कोई नौकरी करना जाएगा तो 4000-3000 का ज्यादा कोई देगा नहीं, तो ये 32 लाख रुपए मैंने कैसे रिटर्न दे सकते हैं। आज मेरा अचीवमेंट आपको मैंने पहले बता रहा था, ये चाली का रूम लिया 2 लाख रुपए में, अगर मैं वो बेचेगा तो मेरे को 5 लाख रुपए मिलेगा। आज मैंने 7.5 लाख रुपए का घर लिया वो केरला में, आज मैं 7.5 लाख का घर बेचेंगे मेरे को 10 लाख रुपए मिलेंगे, 15 लाख रुपए मिलेगा तो भी मेरा प्रॉब्लम ठीक नहीं होगा। अगर मेरे केरला के घर बेचेंगे मेरे पापा मम्मी रोड पे आ जाएंगे, आज बॉम्बे का घर बेचेंगे मेरे परिवार रोड पे आ जाएंगे, ये दोनों में हाथ नहीं रख सकते, फिर क्या करेंगे? कोई रास्ता नहीं था मेरे सामने। ऐसे सोचते सोचते मेरे पास एक रास्ता आया, आत्महत्या करेगा। सच में रियल मेरे स्टोरी में आत्महत्या करने के लिए पूरा तैयारी में बैठा थे, वो भी 4 नंबर पे जाने के लिए पूरा तैयारी में थे। आज कितना लोग ये सुन रहे, कितने लोग भगवान को देखा मेरे को नहीं पता, लेकिन मैंने भगवान को देखा। जैसा भगवान हर व्यक्ति प्रार्थना कर रहे, भगवान से मांग लेते, लेकिन हर व्यक्ति ये सोच रहा था अभी हम जो भगवान को देखा हो, भगवान हमारे पास आओ हमको कुछ दे, लेकिन सभी लोग भगवान को देखा हुआ है, लेकिन हम जो उम्मीद ये रूप बनाया वो रूप से भगवान नहीं आते, लेकिन अलग अलग रूप से भगवान आते हैं, लेकिन आपको समझ में नहीं आते। जैसे मेरे रूप में भी मेरा ब्रदर लो जोसेफ सेबास्टियन, मेरा मिसिस का छोटा भाई थे, वो बॉम्बे आई, मेरे को नहीं पता था, कुरला स्टेशन में आने के बाद वो मेरे को बोला बाबू भाई आपका एड्रेस दे दे, मैं आपका घर पे आना चाहता हूँ, तो मैंने इनको एड्रेस दे दिया। तो इधर 32 लाख रुपए का माइनस, इधर वजन लेके मैं चल रहा था, इतना तक पानी में थे, इनको कुछ ज्यादा बोल नहीं सकते, मैं कर्जे में करके बोल नहीं सकते, कारण कि बड़ा बड़ा बात करके शादी करके लेके आया है, इनको कुछ नहीं मालूम, लेकिन ये घर पे मैं मेरे बच्चे ये पढ़ा था, ये आया तो ये आके रात को सुबह में 8 बजे मेरे फैक्ट्री में जाता था, 11 बजे आता था, तो रात को 12 बजे खाना पीने के बाद मैंने इनके साथ बैठा, ये कुछ सेलिंग के बारे में बता रहा था, डायरिंग के बारे में बता रहा था, ये डायरिंग अपन पता नहीं, सेलिंग अपन को पता नहीं, बाद में मालूम पड़ा ये डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग, हमको क्या पता है, हमको एक हीरा देगा वो अच्छा है कि खराब है कि अपन देख सकते हैं, हिंदी बात नहीं कर सकते, एक ही भाषा बात कर सकता था मलयालम, कारण के आप लोग बोलेंगे, आप लोग सोचेंगे हिंदी क्यों नहीं सीखा, इतना साल से बॉम्बे रुका है। अभी मेरा फैक्ट्री में 120 आदमी थे, ये 120 आदमी भी केरला वाला थे, घर पे केरला, फैक्ट्री में केरला, ये रास्ते में अपन को किससे बात ही नहीं करना था, मैं एक अलग इंसान था, अगर मेरा दोस्त सामने से आएगा तो भी मैं ऐसे जाऊंगा, कारण कि इनसे बात करना नहीं मेरे को, तो ऐसे जाएंगे, हम घर जाएंगे बैठेंगे, घूमना फिरना कोई शौक नहीं था, लेकिन हमारे फैक्ट्री हमारे घर थे, हिंदी नहीं सीखा, ओनली मलयालम थे। आज ये आया डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बात कर रहा था, मैं बोला मेरे को कुछ नहीं मालूम, मेरे को करना नहीं, ये सब पढ़ा लिखा लोगों का काम है, हमारे जैसा अनपढ़ लोगों का काम नहीं है, मैं ठीक से बात नहीं कर सकता था, अब ये सब मेरे से नहीं होगा करके मैंने इनको छोड़ दिया, लेकिन वो जानता नहीं था, घर पे बैठे। अगर 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 5 दिन हो गया, 6 दिन हो गए, ये जाने का तैयारी में नहीं था, लेकिन इधर आत्महत्या करने का पूरा प्लान मैंने बनाया था। लास्ट में मैंने एक आदमी से 10,000 रुपए लिया,
मैंने 10,000 रुपए जो है सुबह से इनको ऐसा दिया, अपन मंदिर जाते हैं नालियर नालियर कैसा पड़ेगा जैसा मन के अंदर ऐसा थे तो ऐसा मैंने दिया। भाई मेरे को आईडी भी नहीं चाहिए, मेरे को प्रोडक्ट भी नहीं चाहिए, तेरा आना जाने का कर्जे के लिए रखो। वो लिया नहीं, वो एक ही चीज बता रहा था, बाबू भाई आपका 30,000 रुपए चाहिए, ये 10,000 रुपए भी उधारी लेके आया, अब 20,000 रुपए में किधर से लाओ। मेरे को ये बिजनेस करना नहीं था, इनको बॉम्बे से भगाने के लिए मैंने 10,000 रुपए दे रहा था, ये जाने के लिए तैयार ही नहीं था। लास्ट में 2 महीने हो गया, 2 महीने वो इंसान बैठा था, एक सुबह से लेके शाम तक यही बोलूंगा, अगर मैं सुबह उठेगा मेरे को बोलेगा, दोपहर को खाना खाने के लिए टाइम पे ये बोलूंगा, शाम को टाइम पे यही बोलूंगा, मैं परेशान हो गया, मेरे को करना नहीं। इधर 32 लाख रुपए का वजन लेके मैं घूम रहा था, ये सुनने का मूड पे नहीं था। लास्ट में मैं सोचा चलो ये पनौती को अगर केरला भेजने के लिए पैसा लेना ही पड़ेगा करके 3 आदमी से 10,000 10,000 10,000 30,000 रुपया दोस्त मैंने इनको दे दिया। देने के बाद मैंने बोला भाई जो सब तेरा काम हो गया ना, तो थोड़ा टाइम के बाद मेरे को बोला बाबू भाई आप मेरा काम नहीं हुआ, ये आपका काम इधर से शुरुआत हुआ, मैं इधर खत्म करने के लिए दिया, जोसेफ सुभाष सिंह बता रहा था इधर शुरुआत करो। तो मैं बोला क्या करना पड़ेगा, तो बोला आपका अच्छा अच्छा दोस्तों को मेरे पास लेके आओ, मेरे को लेके जाओ। मैं बोला भाई तू देख रहा ना, 2 महीने से देख रहा, मैं सुबह 8 बजे जाएगा, शाम को 11 बजे आता है, अभी मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। हम एक आदमी के पास जाते पहले क्या बोलेगा, मेरे पास टाइम नहीं है, पैसा नहीं है करके कोई नहीं बोलेगा, टाइम नहीं करके बोलेगा। जैसा मैं ऐसा झूठ नहीं बोला, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था, कारण क्या उधर जाके बैठना मेरा काम था। लास्ट में ये मेरे को बोला एक काम कर बाबू, एक काम कर तू मेरे साथ में केरला आ जाओ, केरला में एक फंक्शन है, अगर वो फंक्शन आप देखो इनके बाद आप डिसीजन लो ये प्रोग्राम ये बिजनेस करना नहीं करना। तो मैं बोला भाई मैं नहीं आ रहा, तो बोला एक काम कर तेरा टिकट आने जाने के टिकट मैं दूंगा, तुम मेरे साथ में आ जाओ, प्रोग्राम देखो, अच्छा नहीं लगेगा तू वापस आ, अच्छा लगेगा तो भी तू वापस आ जा, हम प्लान करेंगे। चलो तो मैं सोचा ये लगेज को इनके पैसे से अपन केरला में भेज सकते करके मैं बोला टिकट बुक कर। ये कंपनी का फर्स्ट प्रोग्राम था ड्रीम्स डे 2003, 25,000 लोग का प्रोग्राम था, ये 25,000 लोग का प्रोग्राम आज भी इनके वीडियो के साथ मेरे पास पड़ा है। आज 25,000 लोग बैठे, इधर मैं बैठा है, इधर लाल कलर में शर्ट पहना मैंने बैठा हुआ है, ये मेरा फर्स्ट प्रोग्राम ये मैनेजमेंट के साथ में। आज ये देखने के बाद मैं बैठा, मेरे को एक अच्छा कोना जगह दे दिया, मेरे को बोला बाबू ये प्रोग्राम देख, ये 8 घंटा होगा 10 घंटा होगा, लेकिन तू बैठ, इनके बाद डिसीजन ले करना नहीं करना। मैं डिसीजन फाइनल किया मेरे को करना नहीं, ये 8 घंटा नहीं 10 घंटा मानते तो मैं बैठूंगा, लेकिन मैं करूंगा नहीं। लेकिन प्रोग्राम स्टार्ट हो गया, पहले टीसी आए, टीसी आया, बहुत सारे लोग थे स्टेज में, आई बुका लिया, मोमेंटो लिया, इनके बाद नाच रहा था, फिर दूसरा स्टेप आई, वो भी बुक लिया, वो भी नाच रहा था। मैं सोचा नाचने में कौन सा कंपनी पैसा दे रहा भाई, आज ऐसा नाच रहा है ना, ऐसा नाच रहा है। फिर भी मैं बोला भाई डाइवर्ट, हमारा माइंड को डाइवर्ट नहीं करना है, वो लोग नाचने दो, कुछ भी करने दो, पैसा लेने दो, हमको कुछ नहीं करना है। प्रोग्राम खत्म हुआ, हम हमारे ट्रेन पकड़ के हम चलेंगे। इनके बाद लास्ट लेवल पे आई, लास्ट अभी सीलिंग अचीवर 6 लोग थे, 6 लोग भी केरला वाला थे, 5 लोग का स्पीच हो गया। ये व्यक्ति अगर ऐसा माइकल लेके ऐसा कर रहा था, बात ही नहीं कर रहा था, तो ऐसा कर रहा था, इनका लेवल पे बात कर रहा था, लेकिन हमको समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन मैं उधर बैठ के इतने बोला भाई बात तो करना यार, आपको जाना जरूरी नहीं, मेरे को जाना जरूरी है, लेकिन ये बात ही नहीं कर रहा था। 10 मिनट ऐसे पकड़ा, इनका दोस्त ने आया, दोस्त बोला ये व्यक्ति बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, लेकिन ये कंपनी से पर वीक 2,10,000 रुपए ले रहे। दोस्त 10 घंटा नहीं 8 घंटे का प्रोग्राम देखा, कुछ समझ में नहीं आया, समझने का कोशिश नहीं किया, लेकिन ये इंसान का 2 शब्द है ना इधर लग गए। उधर बैठ के इतने में सोचा था आज ये इंसान को भगवान ने 2 चीज कम दिया, आज वो इनको 2 चीज नहीं दिया, इनको 2 चीज नहीं दिया, वो 2 चीज बाबू थॉमस को दिए, मैं क्यों आत्महत्या करूं। ये 2 शब्द की वजह से आज आपके सामने मैंने बैठे। आज मैं सोचा अगर मैं क्यों आत्महत्या करूं,
आज वो कर सकते हैं, मैं क्यों नहीं कर सकते है? तो मैंने प्रोग्राम खत्म हुआ, मैंने जोसेफ को बोला जोसेफ मैं करने के लिए तैयार हूँ। जोसेफ को इतना अच्छा लगा, दो महीना मेरे घर बैठा रहा था, इनको समझा रहा था, नहीं समझ पा रहा था, ये प्रोग्राम देखने के बाद ये तैयार हो गई। आज प्रोग्राम में मेरे को तैयार नहीं हुआ, ये व्यक्ति का दो शब्द है ना इधर लग गए, इनका वजह से मैं डिसीजन चेंज किया मैं करेंगे करके। तो जोसेफ ने बोला तू इधर बैठ, जोसेफ आगे गई, प्रवीण सर को फोन किया, सर बहुत बड़ा आदमी को लाया, बहुत बड़ा डायमंड का फैक्ट्री चलाने वाला आदमी को लाया, सर ये प्रोग्राम देखा इनको बहुत अच्छा लगा, वो स्टार्ट करने के लिए जा रहे। तो प्रवीण सर भी सोचा बहुत बड़ा आदमी, बहुत बड़ा फैक्ट्री, डायमंड का फैक्ट्री, चलो 5 मिनट इनको मिलते करके होटल में लेके आने के लिए बोला। तो जोसेफ ने मेरे को आके बोला बाबू तेरे को मैनेजमेंट मिलना चाहता है। मैं बोला मेरे को मैनेजमेंट मिलना चाहता है, तो आ जाओ मेरे साथ में। तो होटल में गई, प्रवीण सर के रूम में गया था तो वो बैठा था, तो मैं जाके इनका हाथ पकड़े, हाथ पकड़ने के बाद पता नहीं कुछ तो लगा मेरे को, तो मैं सोचा इनको सेपरेट बात करे, तो मैंने जोसेफ को बोला जोसेफ एक काम कर तू बाहर खड़ा रहे, मैं दो शब्द सर से बात करके तेरे को बुलाऊंगा। तो भी मेरे ऊपर देख रहा था, मैं तेरे को मिलाने के लिए लेके आया तो मेरे को बाहर भेज रहे। तो मैंने सर का हाथ पकड़े, इससे बोला सर मैं बड़ा आदमी नहीं हूँ, मैं आज आत्महत्या करने का पूरा तैयारी में बैठा है, आज मेरे बच्चे को खाना खिलाने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है, आप मेरे को बताओ मैंने बिजनेस में कैसा सक्सेस हो सकता है। 2 सेकंड के बाद हाथ सार ने हाथ मेरा छोड़ दी, तो मेरे को सार ने बोला बाबू तू दुबई जाओ। तो मेरे को और कुछ समझ में नहीं आया, दुबई जाओ, मैंने सार को बोला दूसरी बात, सार ने आंसर दिया दूसरी दूसरी दुबई में जाओ। तो मैंने वापस पूछा सर क्या करना है, तो सर ने सर का कहना यही था, देखो 15-20 साल पहले हम फॉरेन में जाते हैं, आज अपन नौकरी के लिए जाते हैं, आज अपन एक एग्रीमेंट साइन करना पड़ता था, वीसा तो आज भी लगते पहले भी लगता था, पहले एक एग्रीमेंट साइन करना पड़ता था, आज 3-5 साल आपको उधर रुकना पड़ेगा, कुछ भी होएगा तो आपको इधर आ नहीं सकते, ऐसे एक एग्रीमेंट अपन करके देगा जब भी अपन को जा सकता था, सही है गलत है? तो बहुत सारे लोगों को मालूम है, आज वो साइन करके अगर समझो एग्रीमेंट करना पड़ता था। दूसरी बात, इधर कोई नौकरी बोलेंगे उधर जाके दूसरा नौकरी देंगे तो अपन रिटर्न आ नहीं सकता था, इसके लिए वो एग्रीमेंट है। दूसरी बात, इधर अपन किधर भी नौकरी करना चाहता है 6 बजे हो गया अपन घड़ी देखेंगे, बराबर है, उधर जाएगा 6 बजे होएगा घड़ी नहीं दे सकते, ये लोग कभी बोलेंगे जब भी अपना घड़ियों बनते, बराबर है कि नहीं? तो सर के कहना यही था बाबू ऐसा तू एग्रीमेंट के साथ, ऐसा एग्रीमेंट के साथ अगर तू मेरे लिए 3 साल दे, कितना 3 साल तू ऐसा मेरे को दे दे जैसा एग्रीमेंट बनाए, जैसा एग्रीमेंट के साथ तू 3 साल मेरे लिए दे दे, तेरा पूरा प्रॉब्लम से मैं तेरे को बाहर निकाल सकता। मैं सर को बोला सर 3 साल नहीं 30 साल देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरा प्रॉब्लम से मेरे को बाहर निकालना है। तो सर के कहने का सर के ब्लूप्रिंट से मैंने सर को कमिटमेंट दिया, सर मैंने स्टार्ट करूंगा, आपका बात मैंने मान लिया, लेकिन मेरे को ये प्रॉब्लम से मेरे को बाहर निकालना है। तो मैंने कमिटमेंट की, मैंने बॉम्बे आई, मैंने बिजनेस को शुरुआत की। तो आप भी किया रहेगा जैसा आपने किया रहेगा, मैं भी 1-to-1 किया था, जैसा मोहित सर भी 1-to-1 किया था, दुर्गेश सर भी 1-to-1 किया था, सभी लोग ये काम करना ही पड़ेगा, बराबर है कि नहीं? कितना बड़ा आदमी होने दो, कितना छोटा होने दो, बड़ा होने दो, पढ़ा लिखा आदमी होने दो, पढ़ा लिखा लोग होने दो, लेकिन ये काम करना बिना हम आगे नहीं जा सकते। लेकिन मैं काम करते करते मेरा सक्सेस निकला, आज पहले मैंने छोटा ही कार लिया था, एक इंडिका V2, आज मैंने डाला नहीं, इंडिका V2 लिया था। आज मैंने कार क्यों लिए, बहुत सारे लोगों को पॉइंट ये था अपन कार क्यों ले, आज मेरे बहुत टाइम जा रहा है लेकिन जल्दी खत्म करेंगे, आज कार क्यों ले रहे अपन, आज कार अचीवर दिखाने के लिए, लेकिन मैंने कार क्यों लिए, मैंने कार अचीवर करके दिखाने के लिए नहीं। अभी जो नॉर्मल आदमी एक दिन में कितना प्लान दे सकता है, एक 3-4 प्लान दे सकते हैं, आज समझो 4 प्लान दिए, 4 व्यक्ति भी अपने को साइन करके देगा क्या? नहीं, 4 में अपन पकड़ के चलते 2 आदमी, सही है?
अगर दो आदमी एक चार आदमी का प्लान दिया, दो आदमी हमको पैसा दिया, हमारे साथ में एसोसिएट हो गया, बराबर है, एक दिन खत्म हो गया। कारण कि अपन ट्रेन में जाते हैं, अपन बाइक में जाते हैं, हम बस में जाते हैं, तो हमारा दिन खत्म हो गया, बराबर है कि नहीं। तो मेरे कहना ये था, मेरा इनकम को बढ़ाना है, मेरे समय को बढ़ाना है, ये दोनों चीज के लिए मैंने कार ली है। ये लोग बोलेंगे ये कैसा कार लेना, में ये दोनों चीज कैसे बढ़ेंगे, समझो हमारे पास खुद का कार रहेंगे, हम जो खुद का कार रहेंगे, खुद का ड्राइवर रहेंगे, तो हम चार मीटिंग एक दिन लेता था वो हम आठ मीटिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। चार मीटिंग में दो व्यक्ति तैयार हो जाते हैं, आठ मीटिंग में चार व्यक्ति तैयार हो जाते हैं। तो मेरा टाइम को भी मैंने बढ़ाया, मेरा इनकम को मैंने बढ़ाया, बराबर है कि नहीं। तो मेरे को कार ले में सक्सेस मिले, तो फर्स्ट कार लिया मैंने, स्कोडा कार लिया, लाल कलर का कार लिया। इनके बाद दो महीने के बाद मैंने इनोवा कार लिया, इतना लंबी लंबी कार। मैं किधर रहते हैं, पहले मैं आपको घर दिखाया था, चाली में थे, एक ही कार जा सकता है, वो दूसरा कार आएगा तो जा नहीं सकता है। आज मैं इतना साल से उधर रहता था, मेरे लिए कुछ कोई कोई बोलता नहीं था, लेकिन सुबह सुबह कचरे का गाड़ी आता था, वो मेरे घर पे आता था, मालिक गाड़ी हटाओ, ये फिर गाड़ी घूमते 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 करना पड़ता था। लेकिन मैं किधर रहते है वो चाली में थे, मैं कुछ नहीं बदला, मैंने कार में साइन चेंज किया। तो बहुत सारे लोग ये देख रहा था, कुछ भी नहीं चलता था, ये लुंगी में जाता था, आज काला कलर का कोट में जा रहे हैं, आज इतना लंबी लंबी कार लिए, पूरा कुराद विलेज में एक छोटा सा बात ऐसा निकले, क्या करता है ये, कुछ तो प्रॉब्लम है, दो नंबर का काम करते करके थोड़ा पब्लिसिटी बना। मैं बोला चलो पब्लिसिटी बनने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मेरा काम में बहुत सारे लोग मेरे को रुकाने के लिए कोशिश किया, तो मेरे को बहुत सारे लोग बोला बाबू ये तू फंसेगा वो फंसेगा, मैं बोला कुछ नहीं फंसेगा, बहुत सारे लोग बोलते रह गया, मैं काम करते आगे गया, बहुत मेरे सक्सेस देख रहे थे। आज ये मेरे शुरुआत है, आज ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, जल्दी खत्म करूंगा। अभी ये मेरा अचीवमेंट आपने देख रहे, आज ये आज इनके बाद बहुत सारे लोग पढ़ाई करते हैं नौकरी करने के लिए, फॉरेन में जाते हैं। आज बाबू थॉमस इंडिया में चार तक पढ़ाई किए, तो अवार्ड लेने के लिए दुबई में गए, ये फोटो आपके सामने दिख रहा है। आज ये भी बहुत बड़ा अचीवमेंट है, आज चार तक पढ़ा ला आदमी, आज गोरा लोग गाँव में जाके अवार्ड लिए, ये भी आपके सामने। आज मैं बोलने का मतलब इतना था, देखो हम हमारे बारे में मत देखो, आज आप सही रूट में, आपके पीछे बहुत कुछ आते रहेंगे, बराबर है कि नहीं। हम मांगने का तैयार भी नहीं होना चाहिए, हमारे लिए आते रहेंगे। आज ये भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, आज इनके बाद अभी बहुत कुछ बोलना था, लेकिन टाइम के पाबंदी, इसके लिए मैंने जल्दी जा रहा हूँ। ये बहुत चार घंटे का था, ये मैंने अर्धा घंटे से ज्यादा होगी, लेकिन मैंने जल्दी करूंगा। अभी ये देखो, ये मेरा परिवार है, मेरा दो लड़की है, लड़का, ये मेरे परिवार का फोटो दिख रहा है। आज इधर आपने देखा मेरा घर देखा, ये घर आज भी रखा है, आज भी ये घर, आप अगर केरला जाते हैं तो मेरे को बताएगा, तो ये घर का एड्रेस मैं दे दूंगा। अगर घर क्यों रखा मालूम है, आज बहुत सारे लोग आगे गए, लेकिन ये आगे कितना भी गया ना, ये दिखता नहीं है मैं किधर थे पहले, लेकिन बाबू थॉमस ऐसा नहीं है, आज मैंने इनको रिवर्स कर दिया। कभी कभी मैं देखते हैं मैं इधर ही थी, मैं आज ये लेवल पे पहुंचे, बराबर है कि नहीं। कभी कभी अपना लाइफ में याद करो हम किधर थे, तभी अपन को हमारे अंदर से थोड़ा घमंड निकल जाएगा, हमारे अंदर से थोड़ा ईगो निकल जाएंगे। मैं हमेशा याद करता है, आज भी ये घर ऐसे कैसा रखा हुआ है, आज इतना बड़ा बाढ़ आया, बारिश आया, सब कुछ आया, लेकिन गिरा नहीं है। आज मैं बोल रहा था गिरने दो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मैं तोड़ूंगा नहीं। अगर गिरने के बाद उधर क्या करना है वो हम बाद में देखेंगे, आज हमेशा याद करने के लिए ये रखा हुआ है। आज ये भी रखा हुआ है, ये भी क्यों रखा है, आज ये 20,000 रुपए भाड़े पे दिया हुआ है, आज ये क्यों रखा है, ये जगह से मैंने बिजनेस स्टार्ट किए, ये मैनेजमेंट के साथ में आया है, ये भी मैं याद करता था, पहले मैं रहता था इधर, आज मैं रहता इधर, आज ये 19 माले पे रहते। आज इधर आपने देखा मेरा घर पे, घर का इंटीरियर वर्क आज करीबन 90 लाख रुपए इंटीरियर किए। आज ये घर ऐसा था मेरा ड्रीम का, ऐसा बनने के बाद ही मैंने शिफ्ट हुआ, तब तक मैं इधर ही थी।
खार तो कितना भी होने दो, लेकिन मैं रहते उधर ही थे, लेकिन मेरा ड्रीम का ड्रीम घर बनने के बाद मैंने इधर शिफ्ट हो गई। अभी मैंने इधर 19 माले पे रहते हैं आज। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा परिवार। ये सब मैंने आपको क्यों दिखा रहा है, हम पहले किधर था वो कभी कभी याद करो, हम इधर कैसा पहुंचे, बराबर है कि नहीं? अगर देखेगा ना, रिवर्स करेगा ना, तो हमारे अंदर दो चीज नहीं होएगा, हमारे अंदर घमंड नहीं रहेगा, हमारे अंदर ईगो नहीं रहेगा, बस। ओके, अभी इनके बाद एक दिन हमारा प्रवीण सर ने सुबह सुबह फोन किया, बाबू तू पुणे जा। अगर सर ने बोला काय के लिए पुणे जाना है, वो हम नहीं पूछेंगे। आज अपन 19 माले पर रहते हैं, सर बोलते तू कूदो, हाँ कूदेंगे, लेकिन वो इंसान बोलना पड़ेगा, दूसरा कोई बोलेगा तो नहीं करेगा। आज हमारा भगवान प्रवीण सर अगर बोले तो अपन करने, मैं करने के लिए तैयार है। आज एक दिन सुबह मेरे को फोन किया, बाबू तू आ पुणे जाओ, जाते जाते तू एक कोट ले लेना। ओके सर, ले लिया। तो मैंने कार लिया, मैंने ड्राइवर को बुलाया, पुणे गया, पुणे पहुंचा। पुणे पहुंचने के बाद सर को फोन किया, सर मैंने पुणे पहुंचे तो क्या करना? तो सर ने बोला एक काम कर बाबू, तू सलील को फोन कर। तो सलील मेरे गांव वाले थे, मेरा अच्छा दोस्त है, मेरा अच्छा फ्रेंड है, तो मैंने सलील ऐसा बात कर सकता था, हम थोड़ा फ्रेंडशिप ज्यादा था इसके लिए ऐसा। मैं बोला सलील भाई, पूछा मैंने पुणे, अभी क्या करना, कैसा करना, क्या किधर आना बताओ। तो सलील सर ने ऐसा बोला, बाबू तेरे को लेक्चर देना है, वो भी MBA स्टूडेंट को लेक्चर देना। मैं बोला क्या यार, तुम मजा मत करना यार, तू बताओ किधर आना है, अभी सुबह सुबह क्या बोलते है यार, तो तू बोल, अभी मैं उधर पहुंचेंगे। तुम मेरे को सलील सलील सर ने बोला नहीं बाबू, तेरे को MBA स्टूडेंट को लेक्चर देना है। बोला क्या यार, छोड़ यार, मैं क्या लेक्चर देंगे। तो बोला तेरे को ही लेक्चर देना है, प्रवीण सर ने तेरा सब तैयार करके रखा हुआ है, मेरे को ले, तू सीरियस बोल। तो सलील सर ने बोला सीरियस, तेरे को 2 बजे तेरे को लेक्चर देना है, MBA स्टूडेंट को लेक्चर देना है। क्या लेक्चर देंगे मेरे को नहीं पता, मेरे को बोला बाबू आ जाएंगे, बाबू को ये कर करके, तो तू आ जाओ। मेरा ऐसा ये आ गया, मैं कैसा भरूं, आज इंग्लिश मालूम नहीं, हिंदी ऐसे बात करते, इतना तो नहीं बात करता था, आज गुजराती मालूम नहीं, मराठी मालूम नहीं, कोई भाषा मालूम नहीं, आज मैंने कैसा दूं। आज थोड़ा टाइम मैंने ऐसा डर गए थे, फिर मेरे अंदर है क्यों डरना है, डरेगा तो मरेंगे, डरने का नहीं, बिंदास। आज अपन ये लेवल पे पहुंचे, हम बिंदास आके पहुंचा ना, तो डरने का नहीं, बिंदास। तुम्हें बोला ओके किधर आऊ, तो होटल का नाम दे दिया, होटल में आए, तैयार होगी। तो मैं मेरा बैकग्राउंड पूरा कवर किया मैंने, मतलब अभी मैं कैसा आपको बात कर रहा था, जैसे मैंने थोड़ा रिवर्स मार के देखा। देखो आज हमारे सब बच्चे कॉलेज में पढ़ाई करते कि नहीं करते, आज अलग अलग सब्जेक्ट ले लेते हैं, साइंस ले लेते हैं, संस्कृत ले लेते हैं, इंग्लिश ले लेते हैं, गुजराती ले लेते, लेते कि नहीं लेते, तो कोई भी सब्जेक्ट लेते पास होके बाहर निकालते हैं। लेकिन सक्सेस के बारे में कोई नहीं बताता, सक्सेस के बारे में हम ही लोग बताना पड़ेगा, ये बिजनेस में कैसा सक्सेस हो सकता है, ये बिजनेस में कैसा पैसा कमा सकते हैं, ये बिजनेस में कैसा हमारा ड्रीम पूरा कर सकते हैं, ये हम बता पाएंगे। मैं वही बता दिया, 4 घंटे का ट्रेनिंग दे दिया, आज वापस बोलने के बोलेगा तो नहीं हो पाएगा, लेकिन 4 घंटे का ट्रेनिंग हो गया, बहुत अच्छा लगा, सभी लोग ताली बजाई। लेकिन उधर का प्रेसिडेंट है, वो भी बोला ग्रेट बाबू, तो अचीवमेंट होगी। ये भी मेरे जिंदगी में मेरे को मिले, आज ये भी मेरे को मिले अपना भगवान प्रवीण सर का थ्रू, आज बहुत अच्छा लगा। मैं बोला ना, 4 तक पढ़ा ला आदमी, MBA स्टूडेंट को लेक्चर दिए, अभी देखो ये MBA स्टूडेंट है, ये MBA स्टूडेंट को पढ़ाई करने वाला ये टीचर्स बैठे, इनको दोनों को बाबू थॉमस पढ़ाई कर रहे हैं, लेक्चर दे रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है दोस्त। आज देखो, आज हम कुछ मांगा नहीं है, हमारे पास आते रहेंगे, आज हम कितना आगे जाएंगे उतना हमारा सक्सेस हमारे पीछे आते रहेंगे। नेक्स्ट, अभी ये देखा, ये सब गूगल से लिया नहीं है, ये सब मेरे कार है, ये इनका सब RSC बुक देखेंगे तो ये मेरा नाम रहेंगे, बाबू थॉमस रहेंगे, ये मेरे ड्रीम। आज आपने देखा ये मेरे परिवार, आज ऐसा कोई कार नहीं है,
आज जगुआर से लेके एक्ला से लेके ओडी ओडी S7 ज्यादा नहीं है कम एडिटेशन, अगर ये Q7 दो लिया थे, आज एक लिया था ब्लैक कलर लिया था, तो पुणे में गया तो सलील सर ने बोला हमारे बिजनेस के लिए काला कलर जमेगा नहीं बाबू, तो अच्छा नहीं लगा, तो मैं बोला कोई प्रॉब्लम नहीं, उधर के शोरूम में लेके गया, तुम्हें बोला है भाई अपन कलर अच्छा नहीं लगा तो क्या करेगा, गैरेज में लेके जाएगा भाई एक कलर बदल दो, बराबर है कि नहीं? हम ऐसा नहीं किया, पुणे शोरूम में लेके गया, भाई ये कार आप तू ले ले, इनके बाद की मेरे को नया कार ले, मेरे को कितना देना है बताओ, बस दूसरे कार लेके आई, ये एकदम अच्छा कलर थे तो रेडी लिया। एक ये ड्रीम, आज ये नौकरी करेगा तो नहीं मिलेगा, आज कुछ का व्यापार करेगा तो भी नहीं मिलेगा, ये मैं गारंटी के साथ बताता हूँ। आज कितना प्रॉब्लम देखना पड़ता है ये खुद का व्यापार चलाने के लिए, आज ये हमारे जो ड्रीम है वो हम कर सकते हैं। देखा ये सब मेरे कार है, ये भाड़े पे नहीं लिए, ये खुद का खरीदारी की है। आज मैं ऐसा ना तो मैं ऐसा गरीब थे पता नहीं मेरे को, अभी देखो आज आप बोलेंगे आज ये एप्पल के लैपटॉप से मैं काम बात कर, हेलो ये मेरा एप्पल का लैपटॉप से मैं बात कर रहा हूँ, आज कितना लोग ये एप्पल का लैपटॉप वापर सकते मेरे को बताओ, बहुत सारे लोग पढ़ा लिखा रहेगा लेकिन कितना लोग वापर सकते मेरे को बताओ, कम लोग रहेंगे, कारण के विंडोज चला सकते हैं लेकिन एप्पल नहीं चला सकते, लेकिन आज जो नहीं चला सकते वो काम मैं करूंगा, मैं किधर सीखने के लिए नहीं किया, आज एप्पल का लैपटॉप मैं वापर रहा हूँ, दूसरा विंडोज करना नहीं आता है, आज मोबाइल देखा जाएगा तो ये एप्पल का 11, आज ये भी मेरा ड्रीम है, आज ये सैमसंग का नया आपने देखा ये, आज देखो ये मेरा ड्रीम, आज देखो आज बहुत सारे लोग क्या करते हैं पैसा जमा रखता है अपना, बच्चे 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 इधर खाना भी नहीं खाएंगे, मैं ये बोल रहा था बच्चा अगर कमाने बच्चा कमाएंगे, आज जो हम कमाएंगे हमारा हमारा एंजॉय करेंगे, बस मैं ऐसा इंसान हूँ, ये मेरा पर्सनल पर्सनल बात है, कारण के आज अपन आए कभी चली जाएगा बोल नहीं सकते, अभी कोरोना चल रहा है, कितने लोग हमारे हमारे चोरी की चले गए पता नहीं, हमारा नंबर कभी लगेंगे लेकिन लगेंगे नहीं, हम अच्छा काम किए अच्छा सोचा हुआ है लेकिन अच्छा काम करके हम आगे जाएंगे, लेकिन वो डर नहीं, मैं ये सोच रहा था देखो आज हम इधर है कभी ना कभी अपन को जाना ही पड़ेगा, लेकिन इधर हमारा एंजॉय करके जाओ, हमारे लाइफ को एंजॉय करो, ये मेरा मेन पॉइंट है, बराबर है कि नहीं? आज एक दो हफ्ता पहले एक व्यक्ति को एक बुढ़ा थे तो उनको मैंने पूछा था तो अंकल क्या करेंगे हम स्टार्ट करेंगे, नहीं मैं रिटायरमेंट होने के बाद मैंने ये बिजनेस स्टार्ट करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं रिटायरमेंट होने के बाद सीधा चले जाएंगे ऊपर, अगर उधर मारुति लेगा क्या होंडा लेगा क्या ओडी लेगा क्या पता नहीं, कारण क्या उधर कितना लोग गया है उतना लोग नीचे नहीं आया, आप देखे क्या, मैं भी नहीं देखा अभी नहीं देखा, उधर काय का शोरूम रहेगा पता नहीं, लेकिन जो हमको हमारा ड्रीम है आज हम इधर पूरा कर सकते हैं, शायद आपको ड्रीम नहीं लगेगा लेकिन शायद आपका बच्चे का ड्रीम रहेगा, शायद अपने परिवार का ड्रीम रहेगा, लेकिन पूरा करो ना, आज कितना पैसा चाहिए उतना पैसा देने के लिए MI लाइफस्टाइल तैयार है, प्रवीण चंदन सर तैयार है, आज आपको एक आईडी में 2,10,000 रुपए चाहिए, आज आपको 10 आईडी में 2,10,000 रुपए चाहिए, देने के लिए तैयार है, काम करने के लिए आप तैयार है तो आपको देने के लिए तैयार है, बराबर है कि नहीं? ये मेरा पूरा अचीवमेंट जागुआर से लेके एक्रॉस से लेके सब मेरे पास, बराबर है कि नहीं? बस ये मेरा अचीवमेंट। सेकंड आज ये देखा, आज ये मेरा केरला का घर है, ये S7 है, ये सब कुछ बहुत सारे लोग बोलेंगे ये बोलने के लिए बहुत अच्छा है, आज मुकेश सर ने अच्छा प्लान दिया था, आज एक दो आदमी ऐसा बोलेंगे बोलने के लिए अच्छा है, हाँ ये सब पॉसिबल है क्या, ये मेरे अंदर भी था, मैं ये चेंज किए आप पॉसिबल है, बराबर है कि नहीं? अगर मेरा जैसा इंसान कर सकता है तो इधर कितना लोग बैठे वो कर सकते है, इनको कोई डर नहीं होना चाहिए, बिंदास चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम हमारे साथ हम आपका साथ हूं, ओके। अभी ये मेरा घर है, आज बहुत सारे लोग एक उम्र हो जाते हैं तो घर वाले से झगड़ा होता है, 3-4 भाई लोग रहेंगे बोलेंगे मेरा घर मेरे पिताजी का घर मेरे को चाहिए प्रॉपर्टी ये चाहिए, लेकिन मैं ऐसे इंसान नहीं था, आज मेरे पिताजी मेरे माता जी के लिए आज 4 करोड़ का घर मैंने गिफ्ट में दिए,
इनका वीडियो भी था लेकिन टाइम नहीं, मैंने नहीं चलाऊंगा, लेकिन ऐसा कोई है क्या बताओ मेरे को? आज मैं ये सोच रहा था, आज इन लोग को दे दिया, इन लोग जाएगा तो थोड़ी लेके जाएगा, हमारे लिए रखेगा ना, क्यों झगड़ा करना है? आज ज्यादा करके हम इनको नमन करना चाहिए, उनके वजह से हम आए। तो ये मेरा बहुत बड़ा अचीवमेंट है, मेरे पापा मम्मी के लिए मैंने दिए, लेकिन ये दोनों इधर रहने के लिए नहीं आया, कारण कि इनको डर लगता है इतना बड़ा घर पे रहने के लिए। इन लोग बोला तुम लोग आ जाएंगे, हम इधर रहने के लिए आएंगे। ये बहन पड़ा है, हम वेकेशन में जाएंगे 15 दिन, नहीं तो 4 दिन, नहीं तो 2 हफ्ते के लिए लोग आ जाते हैं। हम निकलते टाइम पे इन लोग को दूसरे घर पे छोड़ देते हैं, फिर बंद करके रखते हैं। ये देखो ये अचीवमेंट, ये मेरे पूरा फैमिली, मेरा बहन, बहन के लोग, मेरे पापा, मेरे पिताजी, मेरा वाइफ का पिताजी, माँ, ये मेरा पिताजी, मेरा माँ, हैप्पी फैमिली। बस ये चाहिए, पैसा कितना ज्यादा कमा के क्या करेंगे, एंजॉय करो बस। आज एंजॉय करने के लिए इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हमारे पास है, इतना बड़ा भगवान हमारे साथ है, आज इतना बड़ा, इतना सुपर प्रोडक्ट हमारे पास पड़ा है, इतना बड़ा सिस्टम हमारे पास पड़ा है। आज हम तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ खाली बस। आज 5,000 रुपए के लिए 13 घंटा 14 घंटा 18 घंटा काम करने के लिए लोग तैयार है। 30 दिन काम करने के बाद 5,000 रुपए मिलेगा, बराबर है? आज 10,000 रुपए के लिए ही काम करना पड़ेगा, 20,000 के लिए ये काम करना पड़ेगा। अगर आप स्टडी करो, आज 1 महीने में आप लेते हैं वो काम इधर 1 हफ्ता करो, आज 1 हफ्ते में 1 महीने का पगार ले सकते दोस्त। आज आप चेंज करो, आपको परिवर्तन आपको लाना ही पड़ेगा। ये सुपर हिट क्या बोलते हैं सिस्टम, आज सुपर लीडर्स आपके साथ है, मोहिदन सर, आज दुर्गेश सर, बहुत बहुत सुपर लीडर सर। आज 1 महीना 2 महीने के, 1 साल 2 साल 3 साल का परिचय नहीं, हम बहुत साल से परेशान है। आज हमारे बेस्ट फ्रेंड, मैं रिवे में भी 2-3 बार आई, आज इनके प्रोग्राम में मैं आता था। बहुत सुपर टीम, सुपर लीडर, सुपर सिस्टम, सुपर लुक। बस आज हमको ये चाहिए, हमारा फैमिली हैप्पी होना चाहिए, हमारा ड्रीम है, हमारे जो सपने वो पूरा करना है बस। ओके, आज आपने एक घर देखा, ये मैं फर्स्ट टाइम दिखा रहा हूँ। आज मोहित सर ने बोला सर आपका आने वाला भी दिखाओ, लेकिन ये अभी तक किसको दिखाया नहीं, किसको पता भी नहीं है, लेकिन आज मेरा घर आपने देखा। आज ये मेरा घर, सेकंड घर, अभी मैंने इधर शिफ्ट होना जा रहा है। आज ये बहुत बड़ा लोकेशन, बहुत अच्छा जगह पे हूँ। आज मैं जो रहते है उससे भी सुपर जगह पे। अब ये कोरोना था इसके वजह से प्रॉब्लम में आई, लेकिन अभी ज्यादा टाइम नहीं, 2-3 महीने के बाद हम उसमें जाएंगे। ये पूरा इनका ये देखो, ये ड्रीम हाउस। अगर एक देखो, एक एक व्यक्ति बोलेंगे मैंने कार लिया, मेरा ड्रीम पूरा हो गया, नहीं। आप एक कार लेने के लिए तकलीफ है, एक कार लेने के लिए आप 10 बार सोचेंगे, लेकिन दोबारा लेने के लिए 1 बार भी नहीं सोचेंगे। कारण क्या है, हमारे ड्रीम बढ़ते जाएंगे। आज आपने एक घर लिया, पहले आपने वन रूम किचन लिया, फ्लैट लिया, अगर एक बार लेने के लिए प्रॉब्लम है, दोबारा खरीदारी करने में प्रॉब्लम नहीं होगा। कारण क्या है, आपका ड्रीम कितना पूरा हो जाएगा ना, तो नेक्स्ट ड्रीम तैयार हो जाएंगे। ये अब मेरा तैयार हो गया, अभी मैक्सिमम 2 महीने के बाद ये जाएंगे। ओके, अभी ये सब एक व्यक्ति के वजह से, इनके वजह से। आज ये इनको अगर नहीं देखा ना, आज मैं दुनिया में भी नहीं रहता था। आज जो क्रेडिट है सब इनका है, इनके बिना मैं जी नहीं सकता। कारण क्या है, आज मेरे फैमिली से भी, मेरे घर वाले से भी ज्यादा प्यार इनको मैंने करता है। कारण क्या है, ये मेरे लाइफ में कुछ टर्निंग पॉइंट भी है। अगर इनको दिन में अगर नहीं मिलता था ना, तो आज आपके सामने मैं नहीं रहता था। बस ये सब मेरा ड्रीम है, आज ये मेरा लाइफ स्टोरी है। लेकिन क्या है, ये जल्दी हो गई, 4 घंटे का हम अभी मैक्सिमम 1 घंटा हो गई। मोहिदन सर सॉरी, अभी क्या है ये खत्म नहीं हो रहा था, बीच में खत्म नहीं कर सकता था, इसके लिए चलाई। अभी ये मेरा लाइफ स्टोरी, आज ये कुछ भाड़े पे नहीं लिए,
कुछ गूगल से नहीं ली है, आज मैं परिवर्तन कर सकते हैं, ये आप भी परिवर्तन कर सकते हैं। आज नेक्स्ट मेरे ड्रीम मैं आपको बताना चाहता हूँ, लेकिन डेट नहीं लिखा है, लेकिन मैंने इतना मैं आपको सामने शो किया हुआ है, इतना कार आपका सामने शो किया हुआ है, इतना मेरा घर मैंने किया हुआ है, लेकिन ये भी आपके सामने मैंने शो करना जा रहा है, लेकिन ये मेरे नेक्स्ट ड्रीम इनका कीमत है कितना होएगा सर, कोई बता सकते हैं? 6 करोड़ प्लस सर, 6.5 करोड़। अगर 6.5 करोड़ में कितना कार मिलेंगे, लेकिन ये नहीं मिलेगा ना, मेरा ड्रीम तो ये, आज दूसरा तो मिलेंगे लेकिन ये नहीं मिलेगा ना, आज इतना मैंने ड्रीम किए, ये भी मेरा ड्रीम है, ये मेरा नेक्स्ट ड्रीम, लेकिन आएंगे, लेकिन मैं जो दिखाएंगे वो करेंगे वो पक्का। कारण क्या है, आज देखो आज जो करना है इधर ही करना है, इधर ही करके जाना है अपन को, बराबर है कि नहीं? आज हमारा मैनेजमेंट एक ही चीज मेरे को सिखाया था, बाबू जो दिखते है वो बिकते है, बराबर है कि नहीं? आज मेरे को प्रवीण सर ने सिखाया था बाबू जो दिखते है वो बिकते, बस बहुत अच्छा। वी फैमिली आज वी फैमिली में आज 1 घंटा बात करने के लिए मौका मिले, बहुत बहुत सभी लोग को बाबू दोमस का धन्यवाद। आज मोहित सर, आज दुर्गेश सर, आज मेरा छोटा सा एक परिवर्तन का स्पीच थे, मैंने इधर खत्म करना जा रहा हूँ। आज ये स्लाइड आपने देखा, ये अभी कोरोना चल रहा है, आज आपको भी पता है बॉम्बे में बढ़ते जा रहा है, आज उधर भी कैसा था पता नहीं, आज हर चीज में बॉम्बे नंबर 1, आज ये कोरोना का जगह में, कोरोना का बीमारी में भी बॉम्बे नंबर 1 आज बढ़ते जा रहे हैं। आज मेरे को एक ही कहना था, पहले अपना आपको संभालो। अगर अपना आपको अगर संभाल लिया ना, पूरा देश को हम संभाल सकते थे, बस अगर एक साम्राज्य बना सकते दोस्त, आज ये बाबू थॉमस कर सकते हैं, इधर बैठे हर इंसान कर सकते हैं। आज बहुत अच्छा लगा आप लोगों को मिलके, आज थोड़ा टाइम ज्यादा लिया, लेकिन क्या है, ये पूरा नहीं होएगा तो अधूरा मैं खत्म नहीं कर सकता था, फिर भी मैंने बहुत सारा स्पीड लिया है, आज खत्म नहीं होएंगे, दोबारा मिलेंगे, अब दोबारा अपन इससे भी ज्यादा टाइम से अपन बात करेंगे। सभी लोगों को अगर मेरे से कुछ गलत हुआ रहेगा तो सॉरी, कारण क्या हिंदी कितने लोगों को मेरा समझ में आई, थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करना ही पड़ेगा, मैंने पहले आपको बोला था, लेकिन ये मेरा लाइफ स्टोरी मेरा आपके सामने दिखाई, तो आपका भी आशीर्वाद दे। अगर ये बहुत बड़ा ड्रीम खत्म नहीं हुआ है, बहुत 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 ज्यादा ड्रीम वापस रखा हुआ है, वो भी सभी लोगों का प्रार्थना चाहिए, आशीर्वाद चाहिए। मोहित सर थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, मतलब आपने अपना कीमती समय दिया सर, हम लोग बहुत ही ज्यादा ब्लेस्ड हैं कि आपने अपना इतना कीमती समय सर, हम इतने हजारों किलोमीटर दूर होने के बावजूद भी आपने हम सभी को अपना एक वैल्यूएबल टाइम दिया, थैंक यू सो मच सर, आप हम सभी के लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है, मतलब मैं क्या बोलूं सर आपको, बस मैं नमन करना चाहूंगी, और भी फैमिली को, माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि हमारे जो गॉडफादर जी हैं श्री मोहित टंडन जी को